और सी, 3 जेम 2 जेम 4 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है, वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं, तो हमें हर पूंजी के अलावा बाकी सब एंट्री कहाँ पे करनी होगी? चालू खाते में। डी को नए साझेदार के रूप में पेढ़ी में प्रवेश दिया है। डी, पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में लाता है। डी के प्रवेश के यहाँ पे क्या लिखा है आप मुझे पढ़ के बताओ जरा। समय, पेढ़ी की पक्की तलपट में ख्याति खाता 45,000 ऑलरेडी था जो पुराना था, इसलिए उसको तो हम निकाल देंगे। डी के प्रवेश के समय पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 हुआ, ये नया हुआ। ए बी सी डी का नया लाभानी का प्रमाण समान रहेगा। चलो, तो सबसे पहले हम थोड़ा इस बार सीधा करेंगे, खड़े में करेंगे। ए, बी, सी, डी, पूंजी पेटे 70,000 लाता है, 30,000 रोकड़ में लाता है, समय ख्याति था, मूल्यांकन 1,80,000 का हुआ, 1,80,000 का कुल मूल्यांकन हुआ। पुराना प्रमाण सी, 3 जेम 2 जेम 4 दिया हुआ है, 3 जेम 2 जेम 4 मतलब 9 हो गया टोटल, तो सबको 9 से डिवाइड कर देते हैं। चलो, 1,80,000 को 3 जेम 2 में 2 जेम 4 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 18, 9, 3, 2, 6, 60,000, 40,000 और 80,000, जबकि इसका तो कोई पुराना प्रमाण रहेगा नहीं, ये पुराना है मतलब जमा करना है। अब नीचे नया मतलब उधार करना है जिसको, तो नया कितना किया? ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000, लेकिन प्रमाण कितना है? 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1, तो देखते हैं कौन त्याग करता है, कौन लाभ प्राप्त करता है। 1,80,000 को 4 भाग में बांट देंगे तो 45,000 45,000 45,000 45,000। जरूरी नहीं है कि जो नया साझेदार आता है उसको लाभ मिलता है, पुराने साझेदार में से को भी कोई उसमें से भी कोई बोल सकता है ना भाई अभी मेरे को भी लाभ चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, वो त्याग नहीं करता है बल्कि सामने से पैसा मांगता है ना। तो 60 में से 45 गया तो 15,000 ये तो त्याग कर रहा है क्योंकि कम हो रहा है, मतलब ये उधार होगा। 40 में से 45 गया तो ये बढ़ गया, मतलब ये 5,000 का लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब ये जमा होगा। 80 में से 45 गया तो 35, मतलब ये 35,000 का त्याग कर रहा है, मतलब उधार होगा क्योंकि वो त्याग कर रहा है मतलब लाभ देने वाला है, त्याग कर रहा है मतलब, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने उल्टा कर दिया ना, जमा उधार उल्टा कर दिया, ये जमा होगा ये उधार होगा क्योंकि लाभ लेने वाला खाता उधार होता है, लाभ देने वाला खाता जमा होता है। और 45,000 ये लाभ प्राप्त करने वाला है तो वो जमा होगा। चलो, अभी इसके ऊपर से इसका रोजनामचा बनेगा, लेकिन इतना रोकड़ में कितना ला रहा है वो कुछ बताया गया है? ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में ला रहा है, तो 45 में से 30,000 रोकड़ में लाएगा तो बचेगा कितना? 15,000। तो 30,000 रोकड़ में लाएगा तो 30,000 का नया नहीं लेकिन त्याग का प्रमाण जी ना, उसी हिसाब से मिलाना पड़ेगा। तो 30 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, पहले दोनों सॉरी जो भी जमा हो रहा है जो भी उधार हो रहा है सॉरी यहाँ पे भी 45,000 उधार होगा, तो जो भी उधार हो रहा है टोटल पहले लिख देते 5,000 है ना यहाँ पे, तो इसका त्याग का प्रमाण कितना है वो देख लेते हैं। ये 15 और 35 है, ये 5 और 45 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 और 35 है ना, तो सबको 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15 और 5 7 35, तो ये 3 जेम 7 में है और यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 1 जेम 9 में है ना, ये जो लाभ प्राप्त करे उधार जो है वो 1 जेम 9 में है, तो 30,000 बराबर 9 है तो 1 बराबर कितना होगा वो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
टोटल का उपयोग करके, हाँ टोटल का ही कर लेते हैं, इसके पहले जैसे हमने किया था, चलो तो वही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर दे देते हैं, जो भी हमें अपलिखित करना होगा या बांटना होगा वो पहले काम कर देंगे। जैसे कि पुरानी ख्याति 45,000 थी, वो ये पहला नंबर हमें करना है। उसके बाद पूंजी में लाएंगे दूसरा नंबर, उसके बाद ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में लाएगा, और बाकी जो बचेगा वो चौथे पाँचवें में जो जो भी जाएगा। तो यही सवाल का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे ये 80,000 को मैं मिटा देता हूँ। तो पहला 45,000 जो पुरानी ख्याति थी उसको बांटेंगे, उसको अपलिखित करेंगे। तो ख्याति जो है वो उधर से होती है, तो वो जमा करना है, और पूंजी खाता उधर करना है। लेकिन यहाँ पे वो पूंजी खाते में, ये पुरानी ख्याति को हमें बांटवारा करना है, वो पूंजी खाते में नहीं करेंगे, क्योंकि स्थिर पूंजी खाता बोला है, तो उसको हम चालू खाते में करेंगे, है ना। तो एक है चालू खाते उधार, बी के चालू खाते उधार, सी के चालू खाते उधार, और डी के, अरे डी नहीं, पूंजी क्या है, हाँ ख्याति प्रीम ख्याति खाते, पुरानी ख्याति खाते। तो ख्याति खाता 45,000 दर्शाया गया था, तो 45,000 को पुराने प्रमाण में बांटेंगे तो 15,000, 10,000 और 20,000 हो गया 45,000। चलो दूसरा यहाँ पे है हमें पूंजी को लाना है, तो पूंजी कितनी लानी है, 70,000 लानी है ना, यहाँ पे लिखा है, आप चेक कर सकते हो, पूंजी पेटे 70,000 ला रहा है डी। तो धंधे में तो रोकड़ा पड़ेगा, रोकड़ा है तो उधार हो जाएगा, रोकड़ खाता उधार 70,000, और डी की डी वो पूंजी खाते में जाएगा, वो पूंजी के रूप में ला रहा है, डी के पूंजी खाते का 70,000। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, 30,000 रोकड़ लाता है वो ख्याति खाते रहता है, तो वो भी वो अभी तक तो हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, रोकड़ खाता उधार 30,000, ये दोनों साथ में भी कर सकते थे, दूसरा और तीसरा, रोकड़ खाता उधार 1,00,000 लिख सकते थे, डी के पूंजी खाता 70,000 और ख्याति प्रीमियम खाता 30,000। अभी ये 30,000 जो ख्याति प्रीमियम खाता जमा हुआ है उसको उधार करना पड़ेगा, तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार 30,000। चलो यहाँ पे 30,000 ख्याति प्रीमियम खाता उधार कर दिया, ये 15,000 जो है वो उधार नहीं कर पाए क्योंकि वो रोकड़ा नहीं आया था, तो उसकी पूंजी खाते उधार कर देते, तो डी के चालू खाते उधार 15,000, तो 30 और 15 45 हो गया। और कुछ उधार करना है तो यहाँ पे 5,000 उधार करना है बी के चालू खाते, बस हो गया, बाकी जो 35 और 15 है उसको हमें उधार करना है। तो एक है चालू खाता 15,000, सी के चालू खाता, चेक कर सकते हो आप दोनों साइड टोटल सेम हो गया होगा, 35,000, 35 और 15 50। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया।